हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल क्लास में। आज की वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट सिक्स पढ़ेंगे और पार्ट सिक्स में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि अब तक के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसमें अब पहला क्वेश्चन आता है, यदि किसी भिन्न का हर अंश से सात अधिक हो और इसके अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हर में 20% की वृद्धि करने पर भिन्न 1/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। हम क्या दे रखा है यहाँ पे, हर अंश केवल क्या सात अधिक है। हम पहले माना उसका अंश क्या है, x है, तो अब उसका हर क्या हो जाएगा, इससे सात अधिक, तो x प्लस 7। ठीक है, ये हो जाएगी क्या, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, ये तो मूल भिन्न हो गई। अब इसमें बोल रखा है कि इसके अंश में 10% की वृद्धि, इसका अंश क्या है, x है, माना अंश 100 है, इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 110, और अंश यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 110x/ये, और हर में भी क्या 20% की वृद्धि, माना 100 है तो 20% की वृद्धि क्या हो जाएगी 120, और x प्लस 7। ठीक है, ये वृद्धि होने के बाद नहीं, और ये नई भिन्न किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 11x/12 x+7 बराबर 1/3। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 11 33x 12 x+1/64। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हमने ले लिया तो ये 33x-12x/84, अब इसमें से इसको घटाया तो ये क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, x=84, तो x बराबर क्या आ जाएगा इसमें, 84/21=4। ठीक है, अब हमारे पास भिन्न का अंश क्या था, x था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और भिन्न का हर क्या है, इससे 7 अधिक है, तो 4+7 हमारे पास भिन्न क्या आ गई, 4/11, जो मूल भिन्न है हमारे पास वही। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे भिन्न 3/5 है। ऐसे ही हम भिन्न क्या मानेंगे, माना x है, ठीक है, और ये क्या है, y, x/y, जहाँ x क्या है, अंश है और ये हर है। अंश में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, और हर में 25% की, तो अंश में 20% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 120x/100, ये वृद्धि के बाद हो गई। ठीक है, और ऐसे ही हर में क्या हो जाएगा, 100 की चीज कहाँ जाएगी, 25% की वृद्धि से 125, और y बराबर क्या, 3/5। ठीक है, हमने मूल भिन्न निकालनी है, मूल भिन्न मतलब हमने x/y निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसको ये करेंगे, तो ये 120x/125 ऑफ y बराबर 3/5, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 12। ठीक है, और 25 × 125, तो यहाँ क्या बचेगा, 40x/25y=1/1 या 1। ठीक है, अब x by y मतलब क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये क्या जाएगा, 25/40। ठीक है, 5 × 25 5/40, तो जो मूल भिन्न हो गई वो क्या हो गई, 5/8। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, यदि x y से 10% कम है तथा y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, y क्या है, 125 से 10% अधिक, तो y बराबर क्या है, 125 से 10% अधिक, 10% मतलब 100 पहले था तो 10% वृद्धि के साथ 110। ठीक है, ये हो जाएगी y की वैल्यू, अभी ये y की वैल्यू है और ये क्या है, x कैसे है, y से 10% कम,
तो अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं और इसमें 10% कम करते हैं तो क्या जाएगी x की वैल्यू। पहले हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, ये हो गया ठीक है। फिर हमने किससे किया, 5 से, 5 दूने 10, 5 पंद्रह 25 10, ये क्या हो जाएगा यहाँ से 25 कम 25, 25 कम 25, 25 कम 25 26, 27 ठीक है, 275 ठीक है, बटे 2, ये क्या हो गई y की वैल्यू हो गई ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ, यदि x ओवर y से 10% कम, इससे 10% कम, इससे 10% कम मतलब क्या हो गया, 100 वाली चीज 90 पे जाएगी ठीक है, 10% कम, यही क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से ये हो गया, 5 से काटा, 5 पंजे 25 और पंजे 25, 5 दूनी 10, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है 5 5 ठीक है। अब 9, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49 ठीक है, बटे 2 दूनी 4, ये क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू। हम यहाँ पे अगर आंसर में ऐसा है तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें आंसर और से छोटा दे रखा तो इसको हम और छोटा करेंगे, इसको छोटा कैसे करेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1 4 तीन 12, 4 सत्तर 28, 4 पंद्रह 20, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 123.75, 123.75, ये क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है। अब इसमें चौथा क्वेश्चन भी रखा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बड़ी हुई संख्या में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या। हम इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो मेथड के हिसाब से और एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से। अगर मेथड की बात करें, माना हमारा हमने माना क्या, माना संख्या क्या है एक्स है ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि, तो 100 की चीज कहाँ जाएगी 10% की वृद्धि के साथ, 110 एक्स पे ठीक है, ये हो जाएगी वृद्धि। अब वृद्धि हो गई है ठीक है, और बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी। अब 10% की कमी मतलब 100 वाली चीज को कम कहाँ ले जाएंगे 90 पे ले जाएंगे, और ये वाली चीज कहाँ आएगी फिर, बढ़ी हुई ये है ना, 110 एक्स बटे 100, ये क्या हो जाएगी प्राप्त संख्या हो जाएगी ठीक है, कमी पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 99 और ये क्या जाएगी 100x ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो x तो संख्या है ठीक है, अब 100 वाली चीज कहाँ आ गई 99 आ गई, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि जो कमी हुई, कमी कितनी हुई 100 वाली चीज 90 पे आई तो क्या हुई 1% की क्या हो गई कमी हो गई ठीक है, ये तो हो गया मेथड के हिसाब। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं, सीधे शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो इस पे एक फॉर्मूला लगता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। अब हमने प्लस माइनस क्यों कर रखा है, ये प्लस का मतलब होता है क्या जब कोई संख्या बढ़ रही हो, इस माइनस का मतलब होता है जब संख्या क्या हो रही हो घट रही हो। अब जैसे यहां पे देखा है 10%, एक ही संख्या की बात होती है इसमें ठीक है, पहले संख्या में क्या हो रहा है 10% क्या हो रही है वृद्धि, तो प्लस 10, दूसरी बार संख्या में क्या हो रहा है कमी हो रही है तो माइनस 10 ठीक है। फिर प्लस माइनस दोनों चीज किया, प्लस माइनस दोनों इसलिए किया क्योंकि एक बढ़ रही थी एक घट रही थी ठीक है। अब 10% की कमी इंटू 10% की वृद्धि, तो एक वृद्धि हो रही थी एक कमी हो रही, तो इस प्लस और माइनस किन क्या आ जाएगा माइनस ठीक है, तो इसलिए हमने अभी दोनों लिख किया ठीक है, ये बटे 100। अब ये तो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया, क्यों क्यों आया, एक बढ़ रहा था एक घट रहा था, तो क्या आ जाएगा 100/100, इसका मतलब क्या हुआ माइनस एक, माइनस एक क्या डिनोट करता है कि माइनस एक करता है कि 1% की क्या उसमें कमी, माइनस चिन्ह डिनोट करता है कि इसमें 1%, दोनों मेथड से कितना आया 1% की कमी ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है एक पांचवा क्वेश्चन, एक पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में 20% की वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन। अब सेम ऐसे ही इसको हम कैसे करेंगे, सीधे शॉर्ट ट्रिक से, एक पुस्तक में 25% की कमी, तो ये क्या आ जाएगी कमी के लिए क्या बोला मैंने माइनस 25 ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा
प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। प्लस होगा तो वृद्धि होगी, माइनस होगा तो कमी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 25% की कमी, माइनस हो गया, ठीक है। और वृद्धि दे रखा है प्लस 20% की वृद्धि। अब एक वृद्धि एक कमी है तो चिन्ह क्या आ जाएगा फिर, माइनस का। और 25 गुणा गए 20 बटे 100। अब इसको और इसको किया तो माइनस 5 हो गया, ठीक है। और माइनस यहां से आ गया 25 दुने 50 हो गया, ठीक है। ये माइनस 5 और माइनस 5, तो माइनस 5 ये क्या हो गया, माइनस 10। ये माइनस चिन्ह क्या हुआ, माइनस 10% की क्या हुई इसमें, कमी हो गई, ठीक है। ऐसे करेंगे इनको। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी मकान के मूल्य का 2/7% 2800 रुपये हो तो मकान का मूल्य क्या होगा। माना मकान का मूल्य x है, तो इसका 2/7%, 2/7 का मतलब क्या होगा, 2/7% का मैंने क्या बोला था, इंटू 100 बराबर क्या है, 2800 है। तो मकान का मूल्य कितना होगा, मकान का मूल्य निकालना है हमने। यहां से हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 2 से हमने इसको किया, ये क्या हो गया 1400। अब इसको इधर किया, ये क्या हो गया 98 हो गया, ये 0012 यहां से भी, तो ये ठीक है। तो अब क्या हो गया, मकान का मूल्य ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।